हमारा काम यहाँ पर 12 बजे तक सिर्फ ये है कि आपकी पसंद के गाने बजा सकें। क्या बात है, तुम तैयार नहीं हुई? तुम लोग जाओ, मैं थोड़ा देर से आऊंगी। डैडा, माया तैयार, आज गाड़ी मैं चलाऊंगी। बाय मम्मा। बाय डैडा, जल्दी करो। ओ, तू बड़ी कब होगी? क्या बात, तबीयत ठीक तो है? हाँ, बिल्कुल ठीक है बाबा। डैडा, जल्दी करो। अच्छा, ओके, बाय 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 बाय, टेक केयर। यू टू। हेलो तारा। हाँ, स्कूल नहीं आई आज तो। तू अभी आ सकती है क्या, हाफ डे लेकर? हाँ, तू आ जा बस। कब पता चला? 5-6 महीने पहले। 5-6 महीने पहले? बताया क्यों नहीं? यार, छोटी सी गांठ थी, मटर के दाने जैसी, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर सिद्धार्थ यहाँ नहीं था तो। अभी पता है सिद्धार्थ को? पहले मुझे तो पता चले, उसे बताने से क्या फायदा, बेकार परेशान होगा। तारा, प्लीज उसे मत बताना, प्लीज। ठीक है, नहीं बताऊंगी। चल चले। डॉक्टर अजय कुमार को दिखाना पड़ेगा, आप उनको दिखला दीजिए। डॉक्टर साहब, ठीक तो है ना? कुछ और इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ेंगे। देखो तारा, कुछ एक एग्जामिनेशंस करने पड़ेंगे, गांठ का सैंपल भी लेना पड़ेगा, ये ज़रूरी है, देर नहीं कर सकते। आप अपने घर वालों को ले आइए, उनसे बात करनी पड़ेगी। गांठ का सैंपल लेना पड़ेगा मतलब? देखो, अभी तो सिर्फ जांच करनी है, आप अपने घर वालों को ले आना।
डिले मत करना। अभी तो बहुत काम कर रहे हैं। तारा ठीक हो? आप काटो, मुझसे नहीं होगा। होगा, देखो पानी, प्याज को पानी में धो लिया, ठीक है, उसको पोंछा, अब काटो, आंख में नहीं लगेगा। मम्मा काटो ना, खुद से खाना बनाना पड़ेगा तब। काटो, चलो होगा। माया खाना बनाएगी और सिद्धार्थ आज खाना लगाएंगे, दोनों बाप बेटी मिलके मुझे ट्रीट देंगे। क्या बात है? हमारा घर अच्छा है, है ना? तुम ठीक तो हो? मेरे बाद भी ये ऐसा ही रहेगा ना? चल सो जाओ, सो जाओ। सिद्ध, क्या मैं सब कुछ कर पाई? मैं अच्छी बीवी बन पाई? क्या मैं अच्छी माँ हूं? क्या हो जाता है तुम्हें है? चलो पिछले कुछ समय से मेरी लेफ्ट ब्रेस्ट में एक गांठ है। आज डॉक्टर के पास गई थी। गांठ है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर ने क्या कहा? शायद ब्रेस्ट कैंसर है। ब्रेस्ट कैंसर? तारा कभी अपना ध्यान ही नहीं रखा, हमेशा घर में ही लगी रही। लेकिन अब अपना ध्यान रखोगी, घर तुम बाप बेटी मिलके संभालो, ठीक? तारा चिंता मत करो, सब ठीक, तुम मेरे साथ हो ना? तारा करीमिया क्या कर रहे हैं? पेड़ में कीड़े लग रहे हैं मैडम, दवाई डाल रहे हैं। पौधे मरने नहीं चाहिए करीमिया। सही समय पे सही देखभाल हो ना बीवी जी, तो बचाया जा सकता है। एडवांस स्टेज है, फौरन एडमिट होना होगा। समय कितना बचा है? कि मैं कोई जोशी तो हूँ नहीं और जिंदगी भी लिमिटेड है, बस इलाज करना होगा। मतलब अभी समय है? मैं तो डरी गई थी, वक्त बचा है सिद्ध? पहले तुम एडमिट हो जाओ, फिर मेरे को लड़ते हैं। सही समय पर सही देखभाल नहीं कर सकी।
आज का दिन मिल सकता है डॉक्टर? आज का दिन मैं अपने सिद्ध, अपनी बेटी माया के साथ घर में बिताना चाहती हूँ। ये आपके लिए। करीम मियां, क्या कर रहे हैं? कीड़े खा रहे हैं, काटूंगा नहीं तो पूरे पेड़ को खराब करेंगे। लेकिन पौधे को टहनी की कमी खलेगी नहीं करीम मियां? खलेगी बीवी जी, फिर आदत पड़ जाएगी। अब आप ही बताइए, पेड़ के बिना टहनी का क्या मतलब? ठीक कह रहे हो, पौधा जिंदा रहना चाहिए, टहनी भले ही ना रहे। हमारे देश में पिछले 10-15 सालों से ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है। इसका मेन कारण ये है क्योंकि अभी जो फीमेल्स है, हमारे यंग लेडीज है, वो ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, सो टाइम नहीं मिलता ज़्यादा उनको अपने शादी के ऊपर ध्यान देना, थोड़ा लेट मैरिज करते हैं, और बिकॉज ऑफ देयर प्रेशर ऑफ वर्क तो बच्चे देर में होते हैं और बच्चों को स्तनपान की इतना अवसर भी उनको नहीं मिल पाता। कॉमन साइन सिम्टम इज कि मेरे स्तन में कोई गांठ आ गया या कोई एक थिक हो गया, मेरा स्किन थिक हो गया, या कोई डिस्चार्ज आया मेरे निपल से, या कोई ब्लीडिंग आया, या जो निपल है वो अंदर थोड़ा चला गया, जिसको हम रिट्रैक्शन निपल बोलते हैं। ये तो फट से पता चल जाता है। अगर आप 45 साल से नीचे है, ये अल्ट्रासाउंड कराना, और 45 साल से अगर ऊपर है, हर साल एक बार मैमोग्राफी कराना। अपने कंट्री में एक फॉर्मूला बच्चों को पढ़ाते हैं जिसका नाम है 80-20 या 80-20। हमारे कंट्री में स्टेज 1 और 2 में 20% कैंसर पाए जाते हैं, जिसमें क्योर रेट 80% है। लेकिन स्टेज 3 और 4 है, जो कि लेट स्टेजेस है, उसमें 80% कैंसर पाए जाते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली उसमें क्योर रेट 20% है। मेल्स में भी होता है 1-2%, लेकिन ज़्यादातर फीमेल्स में होता है, इसलिए फीमेल्स को ज़्यादा इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर कोई डरने वाली बीमारी नहीं है, ठीक होता है। आपको एक ही काम करना है कि जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास आना, लेकिन आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर से कुछ टाइम निकाल के अपना स्तन की खुद एग्जाम करें। अपनी सरिता बहन को जानते हो, जो सबको फूल बांटती है? उसका मामला तो तुमसे भी ज़्यादा गड़बड़ था, पर वो घबराई नहीं, सही समय पर इलाज करवाया, और आज देखो 20 साल हो गए, एकदम चुस्त दुरुस्त है। गुड मॉर्निंग। लो आ गई। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, क्या बात है? सरिता देखो ये घबरा रही है, घर जाना चाहती है। अरे पागल, चल चल चाय पी के आते हैं दोनों बहने। पता नहीं की होना है मेरे नाल। भाई बीबी घबराओ ना, तुसी इलाज पूरा सही कराओ, बचाले ना छड्यो। मैनू भी ब्रेस्ट कैंसर सी। तुहानू भी? हाँ, 4 साल पहला मैं इलाज कराया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें अपनी बीमारी से खुद लड़ना है ना? लड़ना है सरिता बहन जी, हुन मैं चंगी तरह समझ गई हैं, डरन शर्मान नाल कुछ नहीं होना, इस बीमारी ते काबू पाना है तो इस तो तेज भजना पैना है। मुश्किल है पर कर सकते हैं, है ना? मैं ठीक क्या ना सरिता बहन जी? बिल्कुल, करना हमने एक काम है, अपनी सारी सहेलियों को इसके बारे में बताना है, और गांठ दिखते ही समय पे डॉक्टर के पास जाएं। हाँ, समय हाथ से छूटा तो वापस नहीं आ सकता। स्तन के स्वयं जांच करने का तरीका बताते हैं। ये तरीका बड़ा आसान तरीका है, आप नहाते समय ये जांच कर सकते हैं। महीने में एक बार जांच कीजिए और माहवारी के बीच में जांच कीजिए, ताकि आपका स्तन मुलायम हो।
दाएं हाथ से बाएं स्तन का जांच कीजिए और बाएं हाथ से दाएं स्तन का। पहले आप सीधा खड़े होकर जांच करें, शीशे में देखें, और फिर उसके बाद हाथ ऊपर कर देखें, और फिर उसके बाद हाथ हिप्स पे लगा के दोनों साइड में फिर देखें, इसको दोनों स्तन की जांच करें, फिर आप लेट के जांच करें। तो ये जांच जो है, ये जैसे क्लॉकवाइज हम घुमाते हैं, हाथ चारों तरफ घुमाएं और बीच में निप्पल का भी जांच करें, निप्पल को स्क्वीज़ करके देखें, दबा के देखें कि कहीं खून तो नहीं आ रहा या पानी तो नहीं आ रहा, तो ये भी जांच करें। अगर आपके निप्पल से कोई खून आ रहा है या पानी आ रहा है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। जैसे आजकल ब्रेस्ट कैंसर में, स्तन के कैंसर में कई लोग सर्जरी करवाते हैं तो स्तन को रिमूव कर देते हैं, पर आजकल क्या हुआ है कि हम जो गांठ है, गांठ को हटा दिया, ब्रेस्ट को हम कंजर्व कर सकते हैं, ऑर्गन को प्रिजर्व कर सकते हैं। ये सिर्फ अर्ली स्टेजेस में हो सकता है, एडवांस स्टेजेस में मुश्किल है। हमारे जो अनुभव में पिछले 35 से 40 साल ब्रेस्ट कैंसर ट्रीट करते हुए हो गए और लाखों पेशेंट ट्रीट किए हैं, हज़ारों नहीं, तो उसमें हमने कई ये भी पेशेंट्स देखे हैं जिनका स्तन रिमूव हो गया, उनके हस्बैंड्स ने उनको छोड़ दिया, तो ये बहुत गलत बात है। महिलाओं को भी ये सोचना चाहिए कि उनका अगर एक अंग चला गया तो कुछ नहीं होता। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि अंग चला गया मींस कि सब कुछ चला गया। आपको ये सोचना है कि वो भी इंसान है, उनमें भी दिल है, सारे ऑर्गन्स हैं। अगर हस्बैंड का एक ऑर्गन चला गया तो वो महिलाएँ थोड़ी छोड़ देंगी। तो ये चीज़ आपने सोचनी है कि उसका साथ देना है। कैंसर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, इसका भी इलाज है। क्या कर रही हो मम्मा आप इतनी रात को? हलवा खाने का मन कर रहा था। ओहो मम्मा, मुझे कह देती, मैं बना दूंगी। पता है ना आपको, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बना लूंगी ना। आप चलो, मैं बना दूंगी। चलो क्या? आप चलो। अरे मम्मा, आप मुझे आवाज दे देनी थी। कितनी जल्दी बड़ी हो गई तू, मेरा ध्यान रखने लगी। तेरे पास बैठना चाहती थी। हाँ जी। इतनी छोटी थी तू और ऐसे ही मेरी गोद में लेटती थी, याद है ना? हाँ जी मम्मा। लेट तो मैं अभी भी सकती हूँ मम्मा। नहीं, क्यों, मुझसे कोई गड़बड़ हो गई क्या? नहीं, तू तो सब कुछ बहुत अच्छी तरह संभाल रही है, सब कुछ अच्छा अच्छा कर रही है, गड़बड़ तो मुझसे हो गई। मुझे पहले पता चल गया था, पर मैंने लापरवाही की और डॉक्टर के पास नहीं गई। सोचा मुझे क्या हो जाएगा, मुझे क्या हो सकता है, हो गया। डॉक्टर के पास पहुंची तो देर से, फिर सोचने लगी मुझे ये बीमारी क्यों हुई, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, के डर सताने लगे। सिद्धार्थ का क्या होगा, तू क्या करेगी? लेकिन मुझे पता है तू सब संभाल लेगी। हाँ जी मम्मा। लेकिन सब कुछ संभालते संभालते तू अपना ध्यान रखना मत भूल जाना। वो गलती जो मैंने की तू नहीं करेगी, है ना? हाँ जी मम्मा। अपना ध्यान रखेगी ना? हाँ
जरूर ध्यान रखना, ठीक है? मम्मा आप बहुत अच्छी हो। जीती रह, जीती रह बेटा। Thank you.